है, फिर उसके बॉन्ड के साथ में क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। इसमें लिखो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग द ओ एच और एन एच लिंकेज कंटेनिंग द ओ एच एंड एन एच लिंकेज एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप ये भी कह सकते हो कि जब क्या हो रहा है, जब कोई कंपाउंड जो कि आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, जो कि आपके कौन से हो गए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये क्या कर, जो आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आसपास के जो आपके और जो ऑर्गेनिक क्या है कॉम्प्लेक्स है उनके साथ में जो हाइड्रोजन अगर जुड़ा होगा तो उस हाइड्रोजन के साथ में क्या होता है, ये जुड़ जाता है और ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स दिख रहा है ना आप सबको, यानी कि ये एक कंपाउंड है, ये आपका दूसरा कंपाउंड है, ठीक है। जब क्या क्या इसके कंपाउंड ने इस कंपाउंड के जो हाइड्रोजन है उसके साथ में बॉन्डिंग करी, और जो इसका ओ है, ठीक है, उसने क्या किया, दूसरे कंपाउंड के हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करी है, ठीक है, तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, आप हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब क्या होता है, आपके जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, या फिर हाइड्रो जो क्या होता है, आपके हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स होते हैं, वो क्या हो रहे हैं, जो आपके आसपास के जो हाइड्रोजन है, ठीक है, आसपास के हाइड्रोजन का मतलब क्या है, इसने क्या किया, इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में कॉम्प्लेक्स किया, इसने क्या किया, इस वाले जो एटम्स है उसके हाइड्रोजन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या होते हैं, एक वीक बेस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनका मतलब कोई जो इसमें बॉन्ड लगता है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, सिर्फ एक वीक बॉन्ड होता है, लेकिन क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसने क्या किया, अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, ठीक है, इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यानी कि ये वैलेंट हो गया, खाली हो गया, तो इसको क्या कम से कम चार्ज के लिए इसको इसके साथ में बॉन्ड बनाना पड़ा, ठीक है, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इसको अपने बॉन्ड दे दिए। सेम वही चीज़ हुई, इसने इसके बॉन्ड ले लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसने इसके साथ में रिएक्शन कर ली है, और जो ये आपके बीच में बॉन्ड बनता है ये आपका वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, यानी कि जब क्या हो रहे हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो कि क्या आपके फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन क्या करते हैं, आसपास के हाइड्रोजन बॉन्ड के या फिर हाइड्रोजन एटम के साथ में क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं या फिर कंबाइंड होते हैं या फिर जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनके बाद जो कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म बनता है उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, जिसमें फर्स्ट आता है आपका कैफीन, फर्स्ट आता है कैफीन, कैफीन एंड अदर ड्रग कॉम्प्लेक्स। इसमें लिखो मैनी एसिड ड्रग्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विथ कैफीन
फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विथ कैफीन बाय डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कैफीन की क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। क्या पूछा? रिपीट कर रही हूँ, सुन लो एक बारी। मैनी एसिड ड्रग्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस विथ कैफीन CAFFEIN कैफीन बाय डाइपोलर सॉरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन DIPOLE डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन INTERACTION। लिखा इसमें क्या होता है, जैसा आपका पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स था वैसे आपका कैफीन कॉम्प्लेक्स है। पिक्रिक में आपने क्या किया, पिक्रिक एसिड जब क्या करता है फर्दर किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन करता है तो वो पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि फर्दर और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सेम वैसे कैफीन, यानी कि जब कैफीन क्या करता है अदर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के साथ में रिएक्शन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैफीन और अदर ड्रग कॉम्प्लेक्स, यानी कि कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो उसे। या फिर अगर वहाँ पे कोई और ड्रग, यानी कि कुछ किसी अगर कैफीन कैफीन दो होंगे तो टू कैफीन में बन जाएगा। फर्दर अगर वहाँ पे बेंजीन के साथ में रिएक्शन करेगा फर्दर वो, तो कैफीन बेंजीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ऐसे ही क्या हो, जब कैफीन किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी कि अलग कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीमर कॉम्प्लेक्स। पॉलीमर कॉम्प्लेक्स शोएब माइक ऑफ करो अपना। पॉलीमर कॉम्प्लेक्स इसमें क्या होता है, जब बहुत सारे आपके क्या मोनोमर जुड़ रहे हैं, बहुत सारे मोनोमर आपस में क्या हो रहे कंबाइंड हो रहे हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं पॉलीमर, यानी कि CH2 CH2। ये आपका क्या हो जाएगा, इथीन है। ठीक है, अभी आपका सिंगल मोनोमर है अभी, यानी कि एक कंपाउंड है ना अभी। यहाँ पे अगर हम इसको एन कर दें, इट मीन्स अगर हम नंबर्स ऑफ मोनोमर को क्या कर रहे हैं इसके साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप देखोगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मतलब ये आगे आगे इसकी लॉन्ग चेन बनती रहेगी इस तरह से, ठीक है, CH2 CH2। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लास्ट में आपका यहाँ पे N आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब सिंगल मोनोमर के साथ में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे आपकी जो है क्या है रिएक्शन करवा रहे हैं, नंबर्स ऑफ मोनोमर्स की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या जो कॉम्प्लेक्स मिलता है उससे आप क्या बोलते हो, पॉलीमर्स। ये समझ आया, जब आप क्या कर रहे हो, जैसे आपका इथेन है सिंगल है ना, अभी सिंगल मोनोमर है, जब आप बहुत सारे अगर इथेन की रिएक्शन करवा रहे हो, फिर आप जैसे सिंगल मोनोमर है अगर आप इनकी फर्दर क्या करोगे रिएक्शन करवाओगे, फर्दर रिएक्शन करवाओगे
तो आपको एक लार्ज चेन मिलेगी, ठीक है ना, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स मिलेंगे। तो जब लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं, यानी कि जब मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। इतना समझ आया? यस सर नो? मैं रिपीट कर रही हूँ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। फर्स्ट था आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो पहले जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट पढ़ाया था उसमें था आपका मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या हो रहा था, जो भी आपके कॉम्प्लेक्स बन रहे थे वो कब बन रहे थे, जब लीगेंड और आपका क्या था, मेटल के बीच में रिएक्शन हो रही थी, है ना। तब जाके जो कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा था उसे आपने क्या बोला था, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, जो कि आपके क्या थे, आयनिक टाइप हो गए, या फिर चिलेट हो गए, ओलिफिन टाइप हो गए, या फिर आपके एरोमेटिक टाइप्स हो गए, वो सारे आपके क्या थे, मेटल आयन। कब, जब उसमें जो आपका क्या था, लिगेंड था और दूसरा आपका क्या था, मेटल आयन था, उनके बीच में आप जब रिएक्शन करवा रहे थे। ऑर्गेनिक में क्या हो रहा है, आप रिएक्शन तो करवा रहे हो लेकिन दोनों आपके क्या होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। यानी कि आप एक मॉलिक्यूल, यानी कि आप एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ में दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जब रिएक्शन करवाते हो, तो उसके बाद जो आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है उसे आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। बेसिकली दो टाइप्स हैं इसके, जो कि आपका है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, दूसरा आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जब ये क्या करते हैं, अपने चार्ज को ट्रांसफ़र करवाते हैं, जैसे कि आप जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं पर देते हैं, किसी से ले रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उनका जब चार्ज का ट्रांसफ़र करवा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, तो उसके बाद आपको जो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, मतलब रिएक्शन करने के बाद जो आपको कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, कब, जब आप चार्ज का ट्रांसफ़र करवा रहे हो, उससे हम क्या बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। जिसमें कि पहला आपका था क्वीन हाइड्रोन, दूसरा था आपका पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। क्वीन हाइड्रोन में क्या है, जब हम क्या करा रहे हैं, बेंजो क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन के बीच में क्या कर रहे आ रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उनको मिलकर के आपको जो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है उसे आप क्या बोलते हो, क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स कहते हो, जो कि क्या शो करता है, आपका एक ग्रीन क्रिस्टल्स शो करता है, इसे आप क्या बोलोगे, क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स कहते हो। पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स में क्या बताया, पिक्रिक एसिड एक खुद ही एक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि क्या आपका फिनॉल के साथ में आपके नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जब आपका पिक्रिक एसिड हम जब इसको किसी और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो फर्दर आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो आप उसे क्या बोलोगे, पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स कि पिक्रिक एसिड ने जिसके दूसरे ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या करा है, रिएक्शन करी है, उसे कहेंगे पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। दूसरा आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स जब क्या हो रहा है, कोई एक मॉलिक्यूल्स, यानी कि कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन के साथ में क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है, यानी कि अगर उसमें खुद भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन क्या होगा कि उसका हाइड्रोजन क्या होगा, वीक होगा, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या करेगा, उस वाले हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा, तो उससे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जिसमें कि आपका एग्जाम्पल आ रहा है कैफीन और दूसरा आ रहा है आपका पॉलीमर। कैफीन सेम जैसे आपका पिक्रिक एसिड की तरह ही है, क्योंकि क्या कैफीन भी क्या करेगा, आपका किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करके फर्दर और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ठीक है ना, तो उससे हम बोलते हैं कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। दूसरा आपका आता है पॉलीमर। पॉलीमर में क्या हो रहा है, जब क्या हो रहा है, एक सिंगल मोनोमर क्या कर रहा है, इसकी हम जब रिएक्शन करवाते हैं फर्दर नंबर्स ऑफ मोनोमर्स, यानी कि बहुत सारे, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने आप नंबर ऑफ मोनोमर्स ऐड करते जाओगे, तो एक आपको क्या मिलेगी, एक लार्ज स्ट्रक्चर मिलता रहेगा, ठीक है ना, जो कि आपका किसका होगा, पॉलीमर्स, यानी कि पॉलीथीन का हो जाएगा। वो इथीन है आपका सिंगल मोनोमर, फर्दर आपने क्या किया, नंबर ऑफ इथीन आप ऐड करते रहे, तो लास्ट में आपको क्या मिला, पॉलीथीन मिला। इट मीन्स कि वो क्या हो गया, आपका पॉलीमर्स कॉम्प्लेक्स हो गया। इतना समझ आया? यस सर नो? पक्का समझ में आ गया ना इतना? ठीक है, अब थर्ड आता है आपका इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स
देखो मेटल आयन में क्या था, लिगेंड और मेटल के बीच में रिएक्शन हो रही थी। ऑर्गेनिक में क्या हो रहा है, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो रही है, साथ में क्या हो रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि आपका जो चार्ज है उसका ट्रांसफर हो रहा है, या फिर उसमें हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड हो रहा है यानी कि बॉन्डिंग बन रही है, तब आपका क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स या ऑर्गेनिक मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब आपका आ रहा है इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं लगते हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल बॉन्ड या फिर आपकी कोई भी केमिकल फोर्स नहीं लगता है, किसी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, जब कोई एक मॉलिक्यूल्स होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, होस्ट, ठीक है, जब किसी होस्ट मॉलिक्यूल्स में आकर के कोई बाहर से कोई दूसरा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, आकर के अपनी जगह बना रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन। इट मीन्स सपोज करो ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, या फिर आप इस तरह से देख लो, ये कोई मॉलिक्यूल है जिसको कि आप क्या बोलते हो, होस्ट। अब इनके बीच में जो गैपिंग होती है, ठीक है, जब क्या हो रहा है, आपके दो मॉलिक्यूल्स जब मिक्स हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं, उसके बाद जब उनके बीच में जो गैपिंग बचती है, ठीक है, जो होल बच रहा है, उस होल में बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स आकर के क्या हो रहा है, बैठ जा रहा है, जिसको कि आप क्या बोलते हो, गेस्ट मॉलिक्यूल्स, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन। इतना समझे, यानी कि जब किसी खाली जगह पे किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को जाकर के रख दो, या जब कोई क्या होगा, किसी खाली जगह पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स आकर के बैठ जाता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, इंट्रैप्शन कहते हैं, फिर इंट्रैपमेंट कहते हैं, और इस इंट्रैपमेंट को क्या बोलेंगे, इंक्लूजन या ऑक्लूजन। इट मीन्स कि वहाँ पे हमारी कोई भी बॉन्ड नहीं लग रहे हैं, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ना कोई केमिकल बॉन्डिंग, ना ही कोई केमिकल फोर्स लग रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल्स है, जब दो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, आपस में मिल गए, उनके बीच में कोई खाली जगह बच जाती है। सपोज करो ये कोई मॉलिक्यूल्स है और दूसरा, जब ये ऐसे मिल जाएंगे ना, तो बीच में जो खाली जगह बच जाती है, तो इस खाली जगह पे आके जो बाहर से कोई और मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, गेस्ट मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन या फिर ऑक्लूजन टाइप कहते हैं। इतना समझे, इसमें क्या होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूँ, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जब दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इनके बीच में एक होल बन जाता है, यानी कि एक गड्ढा सा बन जाएगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, होस्ट मॉलिक्यूल्स कहते हो, और उस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, कोई बाहर से जो दूसरा मॉलिक्यूल आकर के क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जिसको कि आप क्या कहते हो, गेस्ट सेल कहते हो, वो क्या होता है, आपका इंक्लूजन होता है। इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, उस गेस्ट जो गेस्ट आकर के उस मॉलिक्यूल में रह रहा है, हम उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है कि अगर वो उसमें चला गया तो वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, हम चाहें तो उसे बाहर भी कर, जैसे केमिकल बॉन्डिंग आपकी थी, या फिर जो आपका ऑर्गेनिक बॉन्डिंग है, उसमें क्या, और अगर बॉन्ड कंबाइंड हो जाते, जुड़ जाते हैं, तो उनको ईजिली नहीं हटा सकते हैं ना, लेकिन जो आपका इंक्लूजन है, इसमें क्या हो रहा, कोई बॉन्ड तो लग नहीं रहा है, इट मीन्स इसको क्या, अगर ये आकर के रुक भी जाते हैं किसी मॉलिक्यूल्स में, या अंदर बैठ भी जाते हैं, तो उन्हें हम ईजिली क्या कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं, जिसमें कि पहला आपका चैनल लैटिक्स, चैनल लैटिक्स, इसमें क्या होता है, कई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, जिनके बीच में कि क्या हो जाती है, कोई कैविटी सी बन जाती है, कैविटी सी इट मीन्स कोई होल सा बन जाता है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, चैनल, उसे चैनल कहते हैं, इट मीन्स
एक मिनट, सपोज करो, ठीक है, बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ये क्या हो गए, आपस में मिल तो गए ना, लेकिन इनके बीच में क्या हो गई, कुछ कैविटी सी बन गई है, इट मीन्स कुछ जगह खाली रह गई है। अब इस खाली जगह पे, यानी कि जो आपके ये होस्ट, ये सारा आपका क्या है, होस्ट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इनकी भी जो कैविटी बन जाती है, जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, चैनल्स कह रहे हैं, या आपका क्या पढ़ रहे हो, चैनल लैटिस पढ़ रहे हो, तो इनके बीच में जो होल बन जाता है या फिर जो कैविटी बन जाती है, जिसे आप क्या बोलते हो, चैनल बोलते हो, इस चैनल में क्या होता है, गैस, यानी कि बाहर से जो कोई और आपके क्या होने हैं, मॉलिक्यूल्स आने हैं, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसमें आकर के बैठ जाते हैं। यानी कि बाहर जो मॉलिक्यूल्स थे, जिसको कि आप क्या बोल रहे हो, गेस्ट मॉलिक्यूल्स बोल रहे हो, वो आकर के क्या होते हैं, आपके होस्ट मॉलिक्यूल्स में आकर के बैठ जाते हैं, और क्या होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे एंट्री हो जाती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कॉज करती है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, केमिकल लैटिक्स। इतना समझ आया? सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं ना, यस और नो, यस है ना। अब अगर हमारे घर में आ रहा है, इट मीन्स हम लोग क्या है, होस्ट हैं, क्योंकि घर हमारा है ना। अब बाहर से जो आएगा हमारे घर में, वो तो गेस्ट हो गया। तो सेम वही चीज़ है, अगर हमारे घर में कोई जैसे खाली स्पेस, जैसे सोफे वगैरह होते हैं, तो मेहमान आके तो बैठेंगे ही ना उसमें। तो इट मीन्स क्या हो रहा, हमारा घर क्या हो गया, होस्ट हो गया, जो मेहमान आ गया वो गेस्ट हो गया। इट मीन्स वो गेस्ट क्या हो गया, हमारे घर में अंदर आ गया है ना, यानी कि जो उसको स्पेस मिला वहाँ करके वो बैठ गया है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, मेहमान तो जाएंगे भी, तो वो क्या होता है, वहाँ पे जो चैनल, यानी कि जो आपका खाली जो कॉलम बच जाता है, तो वो गेस्ट आकर के क्या करते हैं, वहाँ पे आकर के बाइंड हो जाएंगे। पर इसको क्या होता है, इसको हम इजीली रिमूव भी कर सकते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चैनल लैटिस कहते हैं। इसमें सिर्फ इतना याद, जो आपका इंक्लूजन ऑक्लूजन टाइप कॉम्प्लेक्स है, इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना, कि इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स का अरेंजमेंट होता है, जिसमें कि क्या बन जाते हैं, एक होल सा बन जाता है, ठीक है ना। और जो होल बनता है वो किस में होता है, आपका होल, उसको आप क्या बोलते हैं, होस्ट, यानी कि जो आपका, जो मैं आपको घर बताया है, ठीक है। और उसमें क्या होता, उस होस्ट मॉलिक्यूल्स में बाहर से आके जब कोई गेस्ट मॉलिक्यूल्स आकर के बाइंड हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन टाइप कॉम्प्लेक्स। सिर्फ दो चीज़ें याद रखना, होस्ट और दूसरा गेस्ट। इतना समझ आया? ठीक है, सेकंड आता है आपका लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स। लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स, इसका एक सिंपल एग्जांपल है, कपास की खेती हर किसी को पता होगी, है ना। कॉटन होती है, कॉटन के बीच में क्या होते हैं, कुछ सीड्स भी फंसे हुए होते हैं। अगर किसी ने प्योर कॉटन देखा होगा, जो कि क्या होता है, डायरेक्ट खेत से आता है, उसमें क्या होते हैं, कुछ सीड्स फंसे हुए होते हैं। तो उसमें क्या हो गया, जो आपकी कॉटन है, आप कॉटन को क्या करोगे, अच्छे से अगर फैलाओगे भी, वो थ्रेड नुमा उसका स्ट्रक्चर होता है कॉटन का, है कि नहीं। और उसी थ्रेड में क्या हो रहा है, उसी थ्रेड में ये देखो, ठीक है, सपोज करो कोई थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर है, यानी कि आपका कॉटन का अगर आप एग्जांपल लगा रहे हो, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है आपका, कि कुछ उसकी सीड्स भी फंसे हुए हैं उसी कॉटन में, यानी कि उस थ्रेड के बीच में कहीं कहीं पे क्या हो रहे हैं, कुछ सीड्स फंसे हुए हैं, जिसको कि आप क्या बोलते हो, ये गेस्ट हो गया, जो आपकी क्या है, लेयर्स ही बनाई हुई है, ये मैंने आपका होस्ट बोल दिया। यानी कि इस होस्ट में आकर के क्या हो गया, होस्ट मॉलिक्यूल्स में आकर के जो आपके गेस्ट मॉलिक्यूल्स है, वो आकर के क्या एक कॉम्प्लेक्स कॉज कर रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसको कि आप क्या बोलते हो, लेयर कॉम्प्लेक्स या फिर लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स। इसका एग्जाम्पल है बेंटोनाइट हाइड्रोकार्बन। इट मीन्स कि जो हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या हो गए आपके, होस्ट मॉलिक्यूल्स। और इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, कुछ स्पेस जो है खाली रह रहा है, जिसको कि आपने क्या बोला है, चैनल्स बोलते हो जिन्हें, उसमें क्या हो रहा है, बेंटोनाइट के मॉलिक्यूल्स आकर के बैठ जा रहे हैं।
तो वो क्या होता है हमारा बेंटोनाइट हाइड्रोकार्बन, इट मीन्स कि वो हमारा क्या हो जाएगा लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स। थर्ड आता है आपका इसमें क्लैथरेट, थर्ड आता है आपका क्लैथरेट। इसका क्या होता है केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है जैसे कोई पिंजरा होता है, सबने देखा होगा पिंजरा कैसा होता है, ठीक है, उस तरह का इसमें एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई बाहर से जो मॉलिक्यूल्स आता है और इसमें आके क्या हो गया ठहर गया, यानी कि इसके स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं। ये सपोज कोई केज है, ठीक है, इसको आप पिंजरा भी बोल सकते हो। ये आपका क्या है जो बाहर का है इससे आप बोलते हो होस्ट, ठीक है। और इसमें क्या हो गया फर्दर बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स आए, ठीक है, ये क्या हो गया जहाँ पे आपको चैनल्स मिले या कोई होल मिला या फिर जो जगह खाली थी वहाँ पे आपके बाहर से क्या हो गए ये गेस्ट मॉलिक्यूल्स आकर के बैठ गए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं क्लैथरेटिस। इसमें क्या होता है कि जो बाहर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, इसमें क्या होना चाहिए मेन चीज़ होती है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स आते हैं इनका साइज छोटा होना चाहिए। अगर इनका साइज़ बड़ा होगा यानी कि जो बाहर से जो गेस्ट मॉलिक्यूल्स आते हैं अगर उनका साइज़ बड़ा होगा तो वो क्या होंगे आपके इस मॉलिक्यूल्स में आकर के बाइंड नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो जिससे कि क्या होगा ये प्रोसेस हो नहीं पाएगी, इसके लिए ये ज़रूरी है कि इनका जो साइज़ होता है वो छोटा होना ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्विनोन इन बेंजो क्विनोन, हाइड्रोक्विनोन इन बेंजो क्विनोन, यानी कि क्या हो रहा है जो बाहर से गेस्ट मॉलिक्यूल्स आ रहा है वो इंटरेप्ट हो जा रहा है कहाँ पे होस्ट सेल में। इसके बाद आता है मोनो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब सेम चीज़ जो आपने अभी क्लैथरेट पढ़ा है इसमें मैंने आपको बताया कि एक पिंजरे जैसा इसका क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है अगर सिंगल आपका मॉलिक्यूल्स आकर के बाइंड हो रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे मोनो मॉलिक्यूल्स। और अगर बहुत सारे आपके क्या हो रहे जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो अगर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आकर के बाइंड होते हैं तो उसे आप बोलते हो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये आपका सपोज करो कोई केज है, ठीक है, जिस जो कि आपका क्या होस्ट है। अगर इसमें सिंगल मॉलिक्यूल्स आके बाइंड हो रहा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आके बाइंड हो रहा है तो इससे आप बोलते हो मोनो मॉलिक्यूल्स। और सेम वही चीज़ नीचे है अगर उस केस में बहुत सारे नंबर्स ऑफ क्या होंगे आपके मोनो मॉलिक्यूल्स आके क्या होते हैं बाइंड होते हैं, इट मीन्स वो एक तो है नहीं बहुत सारे हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे लार्ज नंबर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इतना समझ आया, मैं रिपीट कर रही हूँ सुन लो। इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं लगता है, यानी कि कोई भी आपका केमिकल बॉन्ड या कोई भी आपका केमिकल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि क्या होता है कोई एक मॉलिक्यूल्स होता है या कोई एक लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें कि क्या होगा एक होल बना होगा, यानी कि जब क्या होता है आपके बहुत सारे अगर आप मॉलिक्यूल्स भी ऐड कर रहे हो तो उनके बीच में कुछ स्पेस सा बन जाएगा, ठीक है। स्पेस सा बन जाएगा का क्या मतलब है, सपोज करो ये आपके मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, आप इस तरह से बनाते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ खाली जगह रह जाती है, ठीक है। तो इन खाली जगह पे आकर के क्या होता है कोई बाहर से गेस्ट सेल आकर के बाइंड हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया ये बाइंड हो रहा है इन जगह पे तो इससे हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन, यानी कि कोई भी केमिकल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी है इसमें। सिंपली क्या हो गया छोटा सा होल बच गया था या फिर अब क्या हो गया साइज कुछ लार्ज पार्टिकल होते हैं कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं मिक्स होंगे तो उनके बीच में कहीं ना कहीं गैपिंग रह जाती है तो उस गैप को आप क्या बोलते हो चैनल्स बोलते हो। अब उस चैनल्स में क्या हो रहा है बाहर से कोई और मॉलिक्यूल्स आकर के जब बाइंड हो रहा है जिसको कि आप क्या बोलते हो गेस्ट मॉलिक्यूल्स कहते हो तो इनके इनको क्या बोलते हैं इंट्रैपमेंट कहते हैं और इस इंट्रैपमेंट को हम क्या बोलते हैं इंक्लूजन कहते हैं। इसी के टाइप्स होते हैं चैनल हो गया लेयर हो गया,
क्लैथरेट हो गया, या फिर मोनो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। चैनल में क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स क्या होता है इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में कोई कैविटी सी बन जाती है, इट मीन्स कुछ होल से बन जाते हैं जिसको हम चैनल कह रहे हैं। और उस चैनल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के क्या हो रहे गैस मॉलिक्यूल्स आकर के एंटर कर जाते हैं। तो जब वो